तो जी ये शिलमचा बॉर्डर है और आपको ये जो सारी गाड़ियां नज़र आ रही है, ये ईरानी लोग हैं जो यहां पर अपनी गाड़ियों में आए हैं और इस बॉर्डर पर अपनी गाड़ियां छोड़कर इराक की तरफ निकल चुके हैं। तो हम भी शिलमचा बॉर्डर की तरफ आ चुके हैं। हमने तो जी आज 10 सितंबर और तकरीबन इस वक्त टाइम जो है वो 5:15 बजे हैं। तो कभी सुन रहे थे कि बॉर्डर ओपन होगा, कभी सुन रहे थे कि बॉर्डर ओपन नहीं होगा, लेकिन हमने अपना सफ़र जो है शिलमचा बॉर्डर की तरफ शुरू किया और अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर आए हैं और इस शिलमचा बॉर्डर पर आ चुके हैं। तो यहां पर बहुत सारी लोगों की एक बड़ी तादाद भी मिली और उसके अलावा बहुत सारी गाड़ियां, लाखों की तादाद में यहां पर हमें गाड़ियां देखने की मिली। जो ईरानी लोगों की गाड़ियां थी वो अपनी गाड़ी इस शिलमचा बॉर्डर पर छोड़कर इराक की तरफ निकल गए, क्योंकि इन लोगों के लिए ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, ये आसानी से यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी तरफ इराक की तरफ जा सकते थे। लेकिन दूसरों के लिए, जैसे हम पाकिस्तानियों के लिए प्रॉब्लम थी, कभी ओपन कर रहे थे कभी ओपन नहीं कर रहे थे, तो हमारे लिए ये थोड़ा मसला था। तो अभी रात का टाइम हो गया है और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें जो है बुलाया जाए, बॉर्डर ओपन हो तो हम यहाँ से निकलें इराक की तरफ, करबला की तरफ अपना सफ़र शुरू करें। लेकिन मैं आपको अभी इस वक्त यहाँ बॉर्डर का आपको थोड़ा व्यू दिखाता हूँ, लोग दिखाता हूँ कि लोग कितनी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी इस वक्त शिलमचा बॉर्डर पर आ चुका हूं और यहां पर लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो अरबैन इमाम हुसैन पैदल सफ़र करने के लिए बेचैन है। तो यहां पर आपको बहुत सारी लोगों की रश नज़र आती होगी जो मुख्तलिफ मुल्कों से यहाँ पर लोग आए हैं ईरान और इराक का शिलमचा बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, और यहाँ पर बहुत सारे मौके लगाए गए हैं ज़ायरीन के लिए। तो हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सारा अल्हम्दुलिल्लाह अरेंजमेंट किया गया है ज़ायरीन के लिए, न्याज का, सपीलों का। यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक चल रही थी, यहाँ पर चावल चल रहे थे, बिस्किट चल रहे थे, केक चल रहे थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो ज़ायरीन में बांटी जा रही थी। तो जी बहुत इंतज़ार करने के बाद आखिर हमें बुलाया गया कि ये पहली गेट है शिलमचा बॉर्डर की, यहाँ पर हमें बुलाया गया कि लाइनें बनाएं और आए और यहाँ से अब हम इंशाल्लाह आगे निकल जाएंगे। तो अभी हम निकले हैं और देखते हैं आगे क्या हो रहा है, कब तक यहाँ से हम जो है बॉर्डर वो क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लाइनें बना रही है, आप देख रहे हैं कि लोगों की कितनी लाखों में की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इंतज़ार में हैं कि बॉर्डर ओपन हो और हम दूसरी तरफ निकल जाएं। तो पहली जो गेट थी जो आपने देखी कि एक बड़ा लोगों का हजूम था, वो तो हम गेट क्रॉस करके यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन अभी तक हम ईरान में ही मौजूद हैं और उसके बाद जो है दूसरी गेट है जहाँ से हम गुज़र के फिर इराक की तरफ इंशाल्लाह निकल जाएंगे। तो जी अभी हमें अगली गेट की तरफ आने के लिए कहा गया है, तो सब लोग वहाँ पर जा रहे हैं जहाँ पर जो है मेन क्रॉसिंग है, उसके बाद हम इराक में दाखिल हो जाएंगे। तो ये है शिलमचा बॉर्डर की सिचुएशन जो आप देख रहे थे कि कभी ओपन होगा कभी ऑफ होगा। तो आप अभी जो देख रहे हैं यही है शिलमचा बॉर्डर, जहाँ पर आपको बड़ी तादाद में लोग, यहाँ पर बड़ी रश आपको यहाँ पर नज़र आती होगी,
और यहाँ पर हर कोई यही बस सोच रहा है कि हम बस आगे निकल जाएं, क्योंकि आप अगर देखें तो ये कितने लोग आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, बहुत बड़ी रश है यहाँ पर। अच्छा, उसके अलावा जहाँ से हम क्रॉस करके आए हैं वहाँ पर एक अलग लोगों की तादाद मौजूद है। तो जी, अभी मैं ईरान शिलमचा बार्डर से वहाँ से एग्ज़िट होकर दूसरी तरफ आ गया हूँ और यहाँ पर बड़ी रश थी और क्रॉसिंग में भी बहुत टाइम लगा क्योंकि लोगों की तादाद इतनी थी कि बहुत टाइम लग गया, क्योंकि लोग इतने थे, ईरानी भी थे, इराकी भी थे, दूसरे मुल्कों के भी थे, पाकिस्तानी भी थे, बहुत सी कंट्रीज़ के जो लोग थे वो इस बॉर्डर पर आए थे, तो इसलिए लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी। तो यकीन जाने आप कि मुझे क्रॉसिंग करते हुए यहाँ आने में कम से कम भी एक घंटा लग गया, इतनी यहाँ पर रश थी। तो मैं अभी दूसरी तरफ आ गया हूँ, यहाँ पर आपको थोड़ा व्यू दिखा रहा हूँ, आप देखें कि कितनी रश है यहाँ पर। तो जी, हमें रात वहाँ ही बॉर्डर पे बितानी पड़ी और उसके बाद जैसे ही सुबह हुई तो हमारी गाड़ियाँ आई और हमने अपना सफ़र जो है नजफ़ की तरफ शुरू किया। और रास्ते में हमें ये लोग मिले जो पैदल यहाँ से निकले हैं और ये मछी करते हुए करबला की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत सारे लोग मिले यहाँ पर हमें, हम अपनी गाड़ी में मौजूद थे, तो मैंने जब इन लोगों को देखा तो अपनी कैमरा से रिकॉर्डिंग की। आप देख सकते होंगे कि ये लोग यहाँ से पैदल जा रहे हैं और सीधा ये जाएंगे करबला की तरफ। हम यहाँ से जाएंगे नजफ़ और वहाँ से अपनी जो मशी है इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, वॉक शुरू करेंगे करबला की तरफ। लेकिन मुझे ये जो लोग नज़र आए तो मैंने ये रिकॉर्डिंग की ताकि आपको थोड़ा पहले जो मैंने देखा व्यू वो आपको दिखा सकूं। ये जी सामने ट्रेन जा रही है इराक की, वाइट कलर की, क्रॉसिंग यहाँ से कर रही है और इस रोड पे लोग अपना पैदल सफ़र कर रहे हैं। तो जी, अभी हम नजफ में आ चुके हैं, तो हमने अपना सारा सामान जो है अपने रूम में रख कर, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो इसलिए हम बाहर आए और देखा कि यहाँ पर न्याज चल रहा था, तो हम भी यहाँ पर आए न्याज लेने के लिए और आपको थोड़ा व्यू भी दिखाने के लिए। इस वक्त इराक का जो टाइम हुआ है रात का 10:50 हुआ है। Thank you.